तो हे गाइस, यहाँ देख सकते हो आप राम मंदिर के पास बालाघाट में कितना ज्यादा एकदम माहौल मचा हुआ है। जैसे आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा उसी टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो, इतनी ज्यादा भीड़ है। और मैं आपको दिखाऊँ तो इतने ज्यादा यहाँ पे घोटा है, और देख सकते हो पूरा सेशन चल रहा है अभी। मेरे को आपकी आवाज आ रही है यार, अम्बेडकर चौक तक जितना भी यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ इस ब्लॉग वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले तो चलिए गाइस, सभी हम राम मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा दर्शन वर्शन भगवान के कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे का भी आपको दिखाएंगे। ये हमारा बालाघाट का राम मंदिर है ना, तो चलिए चलते हैं अंदर में। कोई बात नहीं गाइस, अभी कुछ नया सोचना बात नहीं गाइस, अभी सोच के बोलेगा ये। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले तो थोड़ा प्रसाद वरसाद खा लेंगे, देन उसके बाद में चलते हैं अम्बेडकर चौक और उधर का व्यू आपको हम दिखाएंगे। Hey guys, welcome back another एक न्यू ब्लॉग वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको बालाघाट में जो रैली निकली है ना, मतलब बहुत ज़्यादा राम जी अयोध्या में आ रहे हैं आज 500 साल बाद है, और ऐसे में बालाघाट का जो माहौल है पूरा अयोध्या जैसे है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ, पूरा घुमाता हूँ। मैं रुका हूँ यहाँ पे अपना अम्बेडकर चौक में, और यहाँ पे देख सकते हो बालाघाट में जो रोड पे है जय श्री राम लिखा गया, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इधर देख सकते हो, इधर तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, अभी मैं आपको हनुमान चौक में जाके भी दिखाऊंगा। और इधर में देख सकते हो बैरिकेड्स वगैरह लगा के हो गए हैं, है ना। तो चलिए आप इस ब्लॉग में बने रहिए, इधर उतना ज़्यादा नहीं, ऊपर में यहाँ पे और जय श्री राम का झंडा लगाना था। तो चलिए चलते हैं आगे में, और ये वीडियो के माध्यम से आपको हम बालाघाट का पूरा रोड वाला व्यू है पूरा दिखाएंगे। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे कौन सा ग्राउंड है ये, और इधर में देख सकते हो ये श्री जय श्री राम लिखा जा रहा है। ये रात में आपको और अच्छे से व्यू दिखेगा, क्योंकि अभी जो है दिया लगाना स्टार्ट है ना, अभी इधर से स्टार्ट किए हैं होटल काना के पास से, और इधर तक अभी जाने वाले हैं हनुमान अम्बेडकर चौक तक। और इसमें जो ऊपर से ड्रोन से रात का व्यू रहेगा, अगर हो सकता है तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। देख सकते हो इधर में भी दिया लगाना चालू है, है ना। और इधर से अभी कंप्लीट हो गया, पूरा बैरिकेड्स वगैरह लगा के हो गया है, क्योंकि सब कुछ आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे, ठीक है। इधर हमारे ये पंकज भाई है, इधर देख सकते हो, इनको मैं साथ में पकड़ लेता हूँ, बहुत दिनों बाद आया पंकज भाई, 2 महीने से गांव में था और अच्छे दिन पे मतलब बालाघाट में है। तो चलिए चलते, इधर देख सकते हो वहाँ पे ये पड़ी हुई है हमारी बाइक, और इधर में है ये ग्राउंड। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे राम लिखा जा रहा है, है ना। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत, यानी जैसे लास्ट तक जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलेगी। अभी हमने आपको इतना ही व्यू दिखाया है, इसके आगे चलते हैं हनुमान चौक, और वहाँ से भी अभी कितनी क्या भीड़ है बालाघाट की, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बाकी 2-4 फ्रेंड्स वगैरह को भी अभी इन्वाइट करते हैं, ताकि व्लॉगिंग करने में थोड़ा मज़ा आए, है ना। यहाँ देख सकते हो पीछे में आपको जय श्री राम दिख रहा होगा, इधर देख सकते लास्ट तक हनुमान चौक तक है, ये लास्ट हनुमान चौक तक है, वो देख सकते हो बैरिकेड आपको दिख रहा होगा। देख सकते हो गाइस पीछे में आपको कुटिया भी देखने को मिल रही होगी, जो सबरी माता की कुटिया होती है, और बहुत सारे सबरी माता हमारे बन के बैठे हैं, है ना। बहुत अच्छा दृश्य देख सकते हो यहाँ पे, ये हनुमान चौक है इधर असाटी के सामने में। रो रही है, रो रही है, रोता है उनके लिए, रो रही है। तो हे गाइस, अभी हम बालाघाट के राम मंदिर के पास है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छी आकृति बनाई गई है राम सीता लक्ष्मण की, इधर देख सकते हो, और इधर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। गाइस अभी हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर के पास, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है, देख सकते हो इधर पुलिस वगैरह सब खड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे हनुमान मंदिर को कितने अच्छे तरीके से आज सजाया गया है आप देख सकते हो, है ना। और इसके अलावा यहाँ साइड में देख सकते हो प्रसाद वितरित हो रही है, तो अभी चलते हैं हम यहाँ पे प्रसाद वरसाद थोड़ा ले लेते हैं, और उसके बाद में और आगे का भी जो नाइट का होता है वो भी आपको हम दिखाएंगे। अभी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है पूरा माहौल है, और अभी थोड़ी देर पहले और माहौल था और होने वाला है।
तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रसाद ले लेते हैं, है ना। इधर में लाइन लगी हुई है, देख सकते हो कितनी ज़्यादा लंबी लाइन यहाँ पे हनुमान चौक में लगी हुई है। और इधर में हमारे पीछे तो अभी कोई नहीं है, लेकिन दो चार लोग अभी आएंगे ही, है ना। तो चलिए सबसे पहले प्रसाद वरसाद ले लेते हैं और व्लॉगिंग कर रहे हैं हम अपने पंकज भाई को देते। तो दो शब्द पंकज भाई व्लॉगिंग करेंगे। लो पंकज भाई, तो है यहाँ प्रसादी भी लेने के लिए, बता चुका हूँ। अभी कोई बात नहीं गाइस, अभी कुछ नया सोचना बात नहीं गाइस, अभी सोच के बोलेगा ये। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले तो थोड़ा प्रसाद वरसाद खा लेंगे, देन उसके बाद में चलते हैं अम्बेडकर चौक। तो चलिए गाइस, हमारे यहाँ पे प्रसाद वगैरह तो खा के कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम चलते हैं इधर स्टेज की ओर, क्योंकि स्टेज की ओर भी रात में कुछ प्रोग्राम रखा होगा। क्यों पंकज, यहाँ हो गया क्या, होने वाला है? हाँ यार, कुछ प्रोग्राम रखा गया है अभी, यहाँ नाइट में कुछ प्रोग्राम रखा गया है, है ना। होने के बाद में जैसे दिया वगैरह यहाँ पे जल जाएंगे, उसके बाद में कुछ यहाँ पे मैं आपको स्टेज दिखाता हूँ। इधर देख सकते हो, इधर में स्टेज लगा हुआ है और राम जी की फोटो भी है, और इसके अलावा इधर देख सकते हो इधर भी फोटो लगी हुई है। पूरा चौक को चमकने वाला है रात में। गाइस यहाँ से होता है स्टार्टिंग हनुमान चौक, हनुमान चौक से ये पूरी जितनी आप लास्ट देखेंगे अंबेडकर चौक तक जय श्री राम लिखा जा रहा है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वन लिखा गया, जैसे हर 22 जनवरी को ये फेस्टिवल मनाया जाएगा राम लला का। यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए गाइस, अभी हम राम मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा दर्शन वर्शन भगवान के कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे का भी आपको दिखाएंगे। ये हमारा बालाघाट का राम मंदिर है ना, तो चलिए चलते हैं अंदर में। तो चलिए गाइस, अभी हमें राम मंदिर के अंदर देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे एक झांकी भी बनाई गई है जिसे देख सकते हो। इधर मैं आपको दिखाऊंगा पीछे का भी, और उसके अलावा इधर आप देख सकते हो यहाँ पे मूर्ति बालाघाट के राम मंदिर। तो चलिए गाइस, हमने यहाँ पे राम मंदिर मतलब भगवान के दर्शन तो कर लिए, और इधर में देख सकते हो राम भगवान का सिंहासन बनाया गया, जैसे आपको मैं बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, हमारे राम मंदिर के दर्शन वगैरह तो कंप्लीट हो गए, अब चलते सीधा बाहर। राष्ट्रीय एकता मंच के सौजन्य से आयोजित 111,000। तो गाइस इधर देख सकते हो आप बहुत प्यारी राम सीता और लक्ष्मण जी का जो मूर्ति बनाया गया है, और एकदम अयोध्या में एंटर करते हुए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको देखने को मिल रहा होगा। अम्बेडकर चौक तक जितना भी यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ इस ब्लॉग वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले। तो चलिए गाइस, अभी हो चुका है पूरा 1 घंटा और यहाँ पे हम खड़े हैं, अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे दिया जलने का, भी दिया हुआ जला नहीं है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद में हम ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ड्रोन के माध्यम से, या फिर ऊपर में थोड़ा चढ़ वढ़ के कि कैसा क्या सीन रहता है। तो चलिए गाइस, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे फाइनली वो इधर हो चुका है। देखो यहाँ पे मतलब दिया वगैरह जला के हो चुका है ना, तो हम क्या करते हैं इस थोड़ा ऊपर से आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे। की भीड़ देख सकते हो कितनी ज्यादा है। तो अरे भैया, हमारे इधर देख सकते हो ये भैया अरे जी है ये, और बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे मिले, तो बहुत ज्यादा मन को संतुष्टि मिली और आनंद मिला। हमारे प्रिंस भाई बहुत ही मजा आ रहा है तुलविया, यहाँ का माहौल जो पूरा राममय हो चुका है। आप लोग देख रहे हो 111,111 दिए यहाँ पर लगाए, 111,000 नगरी जो है पूरा राममय हो चुकी है। आज बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है, आप पूरा माहौल दिखा सकते हो अतुल भाई, दिखाइए माहौल। इधर देख सकते हो आप, आपको मैं अभी और दिखाऊंगा, और यहाँ पे यानी ऐसा लग रहा है कि अयोध्या यहीं पे आ गया है। बहुत ही सुंदर
सुंदर, बहुत ही सुंदर माहौल है। तो हे गाइस, यहाँ देख सकते हो आप राम मंदिर के पास बालाघाट में कितना ज्यादा एकदम माहौल मचा हुआ है। जैसे आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा उसी टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो, इतनी ज्यादा भीड़ है। और मैं आपको दिखाऊँ तो इतने ज्यादा यहाँ पे छोटे हैं और इसे देख सकते हो चल रहा है। अभी मेरे को आपकी आवाज आ रही है, बैक कैमरे से यहाँ से फोटो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा इधर माहौल है, मन तो मेरा भी कर रहा है यहाँ पे डांस करने का, लेकिन जगह स्पेस एक भी खाली नहीं है। देखते हैं कुछ जुगाड़ होता है तो हम इधर नाचने की कोशिश करेंगे। प्लीज भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे? डांस का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है अतुल भाई, लेकिन इतना यहाँ पर स्पेस कुछ भी स्पेस नहीं है। इतने राम भक्त यहाँ बढ़ चुके हैं, लगभग लाखों की भीड़ है यहाँ पर। बालाघाट आज पूरा राममय हो चुका है, इतना ज़्यादा क्राउड है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप देख सकते हो उधर इधर देख सकते हो। चलिए गाइस चलते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कुंभ का मेला लगा हुआ है बालाघाट में, और यहाँ पे हमें हाथ पकड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी जो है मेरे दोस्त भाई लोग हैं, अभी मेरे को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे, फोन भी लगा रहे थे, फोन भी नहीं लग रहा था। गाइस देख सकते हो इतनी ज्यादा भीड़ है। तो चलिए गाइस, फाइनली यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, दिवाली वाली का भी कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। इधर में देख सकते हो कुछ कार्यक्रम चालू है, इसको तो हम छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा मजा आया आपको वीडियो में, बहुत सारी क्लिप्स दिखाया और शॉर्ट्स भी आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आप बस जुड़े रहिएगा और ये वीडियो आपको कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।